Hello dear student, most welcome to board series of JK Career Institute. Student, आज के lecture में हम देखने वाले हैं electric potential and capacitance chapter में एक important topic जिसका नाम है यहाँ पे point potential technique. ठीक है, एक छोटी सी theory है इस पर. जैसे अगर कोई complicated circuit आ जाता है तो हम वहाँ पे ये use करते हैं. ठीक है, इक्विवेलेंट निकालने के लिए. तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि इस टेक्निक को अपन कैसे यूज़ करेंगे. तो देखिए, जैसे यहाँ पे कैपेसिटर दे दिया हो, मान लीजिए यहाँ 5 कैपेसिटर दे दिए हैं और हमसे पूछ रहा है इक्विवेलेंट बताइए. ये ए है और इसे बी मान लेते हैं, तो ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट बताइए. लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि जैसे एक वायर है, इस वायर को यहाँ से जोड़ दिया जाता है. जैसे ये वायर, इस वायर को ऐसे जोड़ दिया गया. फिर एक और वायर है, इसे यहाँ से इस तरीके से जोड़ दिया गया. तो बोल रहा है कि अब इक्विवेलेंट बताइए, इनका इक्विवेलेंट कैसे आप कैलकुलेट करेंगे. ठीक है, हम हर किसी का कैपेसिटेंस सी मान लेते हैं कि हर किसी का कैपेसिटेंस सी है. ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं. देखिए, अगर ये कोई कनेक्टिंग वायर है, जैसे ये एक कनेक्टिंग वायर है, कनेक्टिंग वायर, और जो ये वायर देख रहे हैं ये भी एक कनेक्टिंग वायर है. बात समझ में आ रही है? तो देखिए, हम ये बोलते हैं कि अगर किसी कनेक्टिंग वायर के थ्रू जोड़ते हैं, या ऐसे अगर कनेक्टिंग वायर को अपन जोड़ देते हैं, तो जो पोटेंशियल यहाँ का होगा वही पोटेंशियल यहाँ का भी होगा. मतलब कि यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा. उसी तरीके से ये भी एक कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का पोटेंशियल और यहाँ का भी पोटेंशियल सेम होगा. बात समझ में आ रही है? यहाँ का पोटेंशियल सेम होने का मतलब है कि इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होगा. बात समझ में आई? तो चलिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं. तो देखिए, हम मान लेते हैं कि ये ए था और ये वो तो बी रहा, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है. ठीक है, लिखते कैसे हैं? आप ऐसे ही लिखते चले जाइए. तो देखिए तरीका क्या होता है कि जैसे ये हमने लिखा ए, फिर लिखा सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, फिर बी, ये लिखा हमने. अब देखिए कैसे जोड़ेंगे. अगर हम बोल रहे हैं कि इनका पोटेंशियल, अपन ऐसे समझ लेते हैं कि इसका पोटेंशियल वी वन है. ठीक है, ऐसे तो इसका पोटेंशियल अगर वी टू होगा, तो देखिए इससे ये वाला प्लेट भी जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल वी टू ही होगा. बात समझ में आ रही है? अब देखिए, इनसे ये एक कनेक्टिंग वायर जुड़ा है, तो ये वायर जहाँ पे आएगा, मतलब ये अब ये जहाँ पे गया है, देखिए इस वायर से ये प्लेट भी जुड़ा है और इस ये प्लेट भी जुड़ा है, मतलब इसका भी पोटेंशियल वी टू होने वाला है और इसका भी पोटेंशियल वी टू होने वाला है. बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे हम ए बी सी डी ये सब हटा देते हैं और डायरेक्टली देख लेते हैं पोटेंशियल के बेस पे. ठीक, अब अगर बात करें कि इसका पोटेंशियल वी थ्री है, तो देखिए अगर इसका पोटेंशियल वी थ्री है तो ये सेम वायर के थ्रू जुड़ा है, तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल वी थ्री होगा. और यहाँ से ऐसे आइए, देखिए ये वायर है, इस प्लेट से भी जुड़ा है और इससे भी जुड़ा है, तो इसका भी पोटेंशियल V3 होगा और इसका भी पोटेंशियल V3 होगा, और इस प्लेट का पोटेंशियल हम मान लेते हैं V4 के बराबर है. ठीक है, तो अपन ऐसे लिखते हैं V1, V2, V3 और हम लास्ट पहुंच रहे हैं V4 तक. ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, V1 से V2, तो हम बोलेंगे V1 से V2, तो V1 से V2 के बीच में एक प्लेट जुड़ा है, तो ये एक बार ऐसे आप अपने को समझने के लिए क्रॉस करते जाइए. फिर देखिए V2 से V3 जुड़ा है, ये सिंपल तरीका है, ऐसे ही करेंगे अपन. तो देखिए V2 से V3 जुड़ा है, इसे भी आप क्रॉस करते जाइए. फिर देखिए V3 से V2 जुड़ा है, तो V3 से अगेन V2 जुड़ा है, तो अपन इसको ऐसे कंबाइन कर देंगे. ठीक है, ऐसे. तो देखिए ये V2 है और ये V3 है, तो V3 से V2 जुड़ा है,
तो देखिए V3 से V2 जुड़ा है, इसे भी आप क्रॉस कर दीजिए। V2 से अगेन V3 जुड़ा है, ठीक, मतलब V2 से V3 जुड़ा है फिर से, तो अपन एक कैपेसिटर और बनाएंगे ये इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया। तो अब इसे भी अपन क्रॉस कर देते हैं V3 से V4, तो देखिए ये रहा V3, V4, V3 और V4 के बीच में एक कैपेसिटर और है, ये आपका हो गया B और ये आपका हो गया A। तो पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक जब यूज़ करते हैं तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, काफ़ी अच्छा तरीका लगा ना। अब देखिए इसका कैपेसिटेंस C है, इसका भी कैपेसिटेंस C, ये भी C, C, C। अब हमसे पूछ रहा है कि सी ए बी की वैल्यू क्या होगी, ये हमसे पूछ रहा है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इन तीनों कैपेसिटर की बात करें तो ये तीनों के तीनों कैपेसिटर पैरेलली कंबाइंड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम इसको मान लेते हैं सी डैश। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जब होता है तो हम कैपेसिटर को डायरेक्टली जोड़ देते हैं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C प्लस C प्लस C यानी 3C के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई, चलिए इसे हम फिर से बनाते हैं। हाँ देखिए, अब देख लेते हैं कि एक कैपेसिटर देखिए ये रहा, ठीक है, इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटर बना, ये रहा, इसके बाद एक कैपेसिटर ये रहा, ये बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये इसकी कैपेसिटेंस हम देख रहे हैं सी है, इसका इन तीनों को मिला के एक कैपेसिटर बना जिसका कैपेसिटेंस C3C है, और इसका कैपेसिटेंस सी है, ठीक है, ये सब हो गया। अब देखिए ये ए और बी के बीच में तीन कैपेसिटर अगेन नज़र आ रहे हैं, और तीनों के तीनों सीरीज में कंबाइंड है, यहाँ पे इनका कॉम्बिनेशन सीरीज में है। तो अब अगर हम सी इक्विवेलेंट निकालेंगे तो सीरीज में सी इक्विवेलेंट यानी कि हम लिखना पड़ेगा 1/CAB, मतलब ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1, C1 के प्लेस पे C प्लस 1/C2, C2 के प्लेस पे 3C प्लस 1/C3, C3 के प्लेस पे C, ये हो गया। अब इनका इक्विवेलेंट अपन निकाल इनका एलसीएम लें, 3C आएगा, C से C कैंसिल होगा 3, तो 3 1 3 प्लस 3C से 3C 1 टाइम तो 1 प्लस, ये कट करेंगे तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो अब देखिए 1/CAB की जो वैल्यू आई है वो अब अगर देखा जाए तो 7/3C के बराबर आई है, ठीक है। तो अगर इनको पलटा जाए तो CAB आएगा और CAB की वैल्यू आ जाएगी 3C/7, यानी कि इनका जो सी इक्विवेलेंट मिलने वाला है वो मिलने वाला है 3C/7 के बराबर। तो समझ में आया कि अगर इस तरीके का कैपेसिटर दिया है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन दिया हो, तो हम किस तरीके से पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज़ करते हैं, समझ में आ गया। चलिए देखिए वहाँ पे आपका फ़ोटो भी दिख रहा है, उससे मैच करा लीजिए कि किस तरीके से दिया गया है। और बाय द वे ये क्वेश्चन भी आपको फ़ोटो भी बन गया है, फ़ोटो देखिए, और इसमें बताना है ए और बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, ठीक है, ये हमें बताना है, मतलब बताना है सी ए बी की वैल्यू क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए अपन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यूज़ करते हैं, और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि अपन लगाते कैसे हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि पोटेंशियल V1 है और यहाँ पे पोटेंशियल V2 है, मतलब ये दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है। देखिए यहाँ से एक वायर गया है, वायर यहाँ से यहाँ भी आया है, ठीक है, मतलब ये सेम वायर है, तो इसका भी पोटेंशियल V2 ही होगा, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, इस वायर से डायरेक्टली एक वायर ये जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V2 ही होगा। अब इस वायर से डायरेक्टली ये वायर जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V2 ही होगा। बात समझ में आ रही है। अब हम मान लेते हैं अपने तरफ से कि इसका पोटेंशियल V3 है, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल V3 है। ध्यान से देखिए, ये वायर ऐसे आया है,
यहाँ पे देखिए नीचे भी आया है तो फिर इसका भी पोटेंशियल V3 ही होगा, और देखिए ये वायर से डायरेक्टली ये वायर जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V3 होगा, मतलब इस प्लेट का पोटेंशियल V3 होगा। देखिए यही वायर सेम ऐसे यहाँ पे आया है और इससे जुड़ गया है तो इस प्लेट का भी पोटेंशियल V3 ही होगा, और यही वायर देखिए ऐसे आया है डायरेक्टली इससे जुड़ गया है तो इसका भी पोटेंशियल V3 के बराबर ही होगा। ठीक है, सेम वायर होगा तो पोटेंशियल भी सेम होगा। अब अगर हम इसको माने तो इसका हम पोटेंशियल अपनी तरफ से मान लेते हैं V4, और देखिए ये वायर है यहाँ से आया है ऐसे ऐसे और इस प्लेट से डायरेक्टली जुड़ गया है, तो अगर इस प्लेट का पोटेंशियल V4 है तो इसका भी पोटेंशियल V4 के बराबर होगा। ये ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करेंगे। तो अपन ऐसे लिख लेते हैं कि V1, ये V2, ये V3 और ये रहा हमारा V4। ठीक है, अब ध्यान से देखिए V1 से V2 जुड़ा है तो V1 से ये जुड़ा है V2। ठीक है, इसका जो कैपेसिटेंस है 8 माइक्रो फैरड के बराबर है, ये लिखते चले अपन। अब देखिए इसके बाद कि V2 से ये V2 है, ये भी V2 है, V2 है, तो अपन देखिए इसको क्रॉस करते जाते हैं और कैपेसिटर देखते जाते हैं। अब देखिए V2 से V3 जुड़ा है तो V2 से V3 जुड़ा है तो एक कैपेसिटर ये रहा ये, और इसकी कैपेसिटी है 6 माइक्रो फैरड, ये दिया है, ये आपका टर्मिनल ए है तो इसको भी अपन क्रॉस कर देते हैं। इसको देखिए V2 से V3, देखिए ये सिंपल लग रहा है ना ऐसे सॉल्व करने में कि ये V2 से V3, तो हम ये रहा V2 और ये रहा V3, एक कैपेसिटर और जोड़ देते हैं, ये हो गया। अब इसका जो कैपेसिटेंस है 3 माइक्रो फैरड के बराबर है, ठीक है, ये हो गया तो इसको भी अपन कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए V2 से V3 एक और कैपेसिटर मिला तो अपन फिर से V2 से V3 करेंगे तो ये कैपेसिटर कुछ ऐसे जोड़ देंगे, ये रहा, और इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रो फैरड के बराबर, ये हो गया, इसको भी अपन क्रॉस कर दें। अब V3 से V4, तो V3 से देखिए ये V4 ऐसे जुड़ा है, ठीक है, तो V3 से V4 ये जुड़ा है 5 माइक्रो फैरड के बराबर, अपन इसे भी क्रॉस कर दें। अब देखिए फिर से V3 से V4, तो V3 से V4 अगेन जुड़ा है तो ये V3 है ये V4 है तो V3 से अपन V4 फिर से ऐसे जोड़ देते हैं। ठीक है, ये आपका जो टर्मिनल है ये B टर्मिनल हो गया। अब V3 से V4 ये 4 माइक्रो फैरड है तो ये हो गया 4 माइक्रो फैरड, इसे भी कर देते हैं क्रॉस। ठीक है, देखिए ये इतना कॉम्प्लिकेटिव सर्किट था, इस सर्किट को हमने एक सिंपल सर्किट में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब हमें बताना है इनका इक्विवेलेंट, और इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये तीन कैपेसिटर पैरेलली कंबाइन है और इनको हम मान लेते हैं कि इनका इक्विवेलेंट सी डैश आने वाला है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है तो ये डायरेक्टली ऐड हो जाते हैं, तो देखिए हम लिखेंगे 2 माइक्रोफेरड प्लस 6 माइक्रोफेरड प्लस 3 माइक्रोफेरड। ठीक है, ये आ गया तो 6 2 8 8 3 11, तो ये आ जाएगा 11 माइक्रोफेरड के बराबर। मतलब इन तीनों को जोड़ने के बाद एक नया कैपेसिटर बनेगा जिसका कैपेसिटेंस 11 माइक्रोफेरड के बराबर होगा। अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों कैपेसिटर भी पैरेलली कंबाइंड हैं तो इनका हम सी इक्विवेलेंट सी डबल डैश मान लेते हैं, तो सी डबल डैश इज इक्वल टू आ जाएगा सी वन प्लस सी टू, मतलब 5 प्लस 4, ये आ जाएगा 9 माइक्रोफेरड के बराबर। ठीक है, तो अब देखिए ये तीनों मिलके 11 माइक्रोफेरड आया है, ये 11 माइक्रोफेरड आया है, ये दोनों मिला के ये 9 माइक्रोफेरड के बराबर आया है। अब देखिए ये तीन कैपेसिटर ही दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, अब हम तीनों को जोड़ के तीन कैपेसिटर ही बना लेते हैं और फिर इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। ये ए रहा, ये बी रहा, अब यहाँ पर देखिए ये दिया है आपका 8 माइक्रोफेरड, ये दिया है आपका 11 माइक्रोफेरड, ये दिया है आपका 9 माइक्रोफेरड,
ये तीनों के तीनों कैपेसिटर अब देखिए ये सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। और सीरीज में कंबाइंड है तो इनका इक्विवेलेंट निकालने का तरीका है 1/CAB, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट अपन ऐसे ही निकालते हैं, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1/8 प्लस 1/11 प्लस 1/9। देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट अब कैलकुलेट कर सकते हैं CAB की वैल्यू। तो देखिए तरीका यही है, इसी तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो इसी तरीके का क्वेश्चन है, उसे भी अपन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फोटो आपको दिख रहा होगा, लिखा क्या गया है, इन द गिवन नेटवर्क ऑफ कैपेसिटर्स द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज 1 माइक्रोफैरेड। बोल रहा है कि ए और बी के बीच का जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 1 माइक्रोफैरेड के बराबर है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर सी, बोल रहा है कि ये जो सी है इसकी कैपेसिटी कितनी रही होगी, ठीक है, यही हमसे पूछ रहा है। मतलब बोल रहा है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अपन पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक यहाँ भी यूज़ करते हैं, देखते हैं, ठीक है। चलिए अपन यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटेंस V1 है, इसका कैपेसिटेंस इस प्लेट का पोटेंशियल V1 है, इस प्लेट का पोटेंशियल V2 है। ध्यान से देखिए, ये जो प्लेट है एक वायर से जुड़ा है, जो वायर यहाँ तक आया है, मतलब इसका भी पोटेंशियल V2 ही होगा, ठीक है। इसी वायर से ये वायर भी जुड़ा, ये प्लेट भी जुड़ा है, तो अपन बोलेंगे इसका भी कैपेसिटेंस पोटेंशियल V2 ही होगा। उसी तरीके से अपन मान लें कि इसका पोटेंशियल V3 है इस प्लेट का, तो इस प्लेट से देखिए ये वायर डायरेक्टली जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V3 ही होगा। इस वायर से ये प्लेट डायरेक्टली देखिए जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V3 ही होगा, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि इस प्लेट का पोटेंशियल V4 है, तो देखिए इस प्लेट से ये वायर डायरेक्टली ऐसे आया है और ये ऐसे डायरेक्टली गया है, मतलब सेम वायर, तो यहाँ का भी पोटेंशियल V4 ही होगा। अब देखिए ये वायर ऐसे आया है, ये डायरेक्टली ऐसे गया, देखिए ये सीधा चला गया है, तो इसका भी पोटेंशियल V4 ही होगा। और उसी तरीके से इस वायर से ये प्लेट डायरेक्टली जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V4 के बराबर ही होगा। अब हम मान लेते हैं कि इस प्लेट का जो ये प्लेट है इसका पोटेंशियल V5 है, ठीक है। तो अगर इसका V5 है तो इससे ये देखिए डायरेक्टली जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V5 के बराबर ही होगा। हम इस प्लेट का पोटेंशियल V6 मान लेते हैं, तो देखिए इस प्लेट से ये डायरेक्टली ये वायर, मतलब ये प्लेट इस वायर से डायरेक्टली जुड़ा है तो इसका भी पोटेंशियल V6 होगा। इससे देखिए अगर ये वायर सीधे सीधे आया और इस प्लेट से जुड़ गया है तो इसका भी पोटेंशियल V6 के बराबर ही होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अपन बनाते हैं तो देखिए कैसे बनेगा। यहाँ पे लेंगे V1, V2, V3, V4, V5 और ये रहा हमारा V6, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं सारे कैपेसिटर को, V1 से V2 जोड़ना है तो एक कैपेसिटर V1 से V2 ये जुड़ गया। अब देखिए ये हम क्रॉस कर देते हैं, V2 से V3, तो V2 से V3 हमने ये जोड़ा, ये भी हम क्रॉस कर देते हैं। इसका कैपेसिटेंस C था और इसका जो कैपेसिटेंस है वो 8 माइक्रोफेरड के बराबर है, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए अब V2 से V6 उसको रहन देते हैं, अपन यहाँ नीचे आते हैं, V3 से V4, तो देखिए V3 से V4 ये जुड़ गया है, तो V3 से V4 जुड़ा है तो ये 2 माइक्रोफेरड के बराबर है, ठीक है, तो इसे भी अपन क्रॉस कर देते हैं। देखिए V3 से V4 12 माइक्रोफेरड, तो V3 से V4 मतलब ये बना है ये, और ये 12 माइक्रोफेरड का ये बन गया। उसी तरीके से अब देखिए ये भी हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए V4 से V5, तो V4 से अपन ये V5 ऐसे जोड़ देते हैं, तो V4 से V5 मतलब ये 1 माइक्रोफेरड के बराबर है, तो 1 माइक्रोफेरड हो गया, इसे भी अपन क्रॉस करते चले जाते हैं। V5 से V6, तो V5 से देखिए V6 ये कैपेसिटर रहा, और V5 से V6 6 माइक्रोफेरड है, तो ये 6 माइक्रोफेरड आ गया। अब देखिए V6 V4,
ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि V6 और V4, तो V4 तो ये रहा, ठीक है, और V4 से V6 ऐड करना है, मतलब ये ऐसे ये हो गया, तो V4 से V6 ये भी क्रॉस कर देते हैं, ये 4 माइक्रोफेरड है, तो ये 4 माइक्रोफेरड के बराबर आ गया, ठीक है। अब ये लास्ट बच्चा है V2 से V6, तो अपन देखिए V2 ये रहा और V6 जोड़ना है, तो अपन ऐसे लेते हैं V2 से V6, ये हमारा B रहा और ये टर्मिनल A रहा, ठीक है। तो V2 से V6 कितना है, तो V2 से V6 है 1 माइक्रोफेरड, तो ये आ गया 1 माइक्रोफेरड के बराबर। तो देखिए सब कुछ ये स्ट्रक्चर बन गया, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे इसको सॉल्व कैसे करने वाले हैं। तो अपन सबसे कॉम्प्लिकेटिव सर्किट पहले उठाते हैं और यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला छोड़िए, ये देखिए ये दोनों पैरेलली कंबाइंड है, ठीक है। अगर पैरेलली कंबाइंड है तो इनका इक्विवेलेंट सी डैश मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये दोनों कैपेसिटर सीरीज में कंबाइंड है, तो इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं सी डबल डैश, ठीक है। तो अभी फिलहाल इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल के स्ट्रक्चर फिर से हम बनाते हैं, फिर से ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कि सी डैश की, तो देखिए सी डैश इज इक्वल टू आ जाएगा, ये दोनों पैरेलली कंबाइंड हैं तो ये डायरेक्टली जोड़ देंगे, तो ये आएगा 12+2 माइक्रोफेरड, यानी 14 माइक्रोफेरड, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों सीरीज में कंबाइन है, तो हम इनको सीरीज में इक्विवेलेंट निकालते हैं, 1/C" इज इक्वल टू 1/C1+1/C2, मतलब 1/1+1/6, ये हो जाएगा। इनके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम आएगा 6, तो ये आ जाएगा 6+1, यानी कि 7/6, ये आ गया। तो C" इसको अपन पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा, तो C" इज इक्वल टू आ जाएगा 6/7 माइक्रोफेरड, ठीक है, ये आ गया हमारा C". अब ध्यान से देखिए इनको हम अब मिटा रहे हैं, मतलब देखिए यहीं से बनाते रहें, ये सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। तो ये C" था, ठीक है, ये आपका 4 माइक्रोफेरड ये था, हाँ यहाँ से C" की वैल्यू, मतलब ये C" एक कैपेसिटर दोनों को मिला के बना देते हैं, ये आपका है 6/7 माइक्रोफेरड के बराबर, ठीक है। फिर इस कैपेसिटर को भी हम इन दोनों कैपेसिटर को मिला के एक कैपेसिटर अपन बना देते हैं, और वो कैपेसिटर क्या है, ये देखिए ये एक कैपेसिटर ये रहा, ये है, और ये है C' के बराबर, मतलब C' देखिए वहाँ पे 14 माइक्रोफेरड दिया गया है, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए ये दोनों जो कैपेसिटर आपको दिख रहे हैं ये दोनों पैरेलली कंबाइंड हैं, ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं C" के बराबर, ठीक। देखिए ये बारी बारी से आपको करना होगा, देखिए बोर्ड का स्पेस जितना उतना, क्वेश्चन लॉन्ग थोड़ा है तो हम इसी में स्ट्रक्चर बारी बारी से ना बना के एक ही बना दे रहे हैं। तो अब देखिए ये C" ये दोनों पैरेलली कंबाइंड हैं, तो हम लिखेंगे C" इज इक्वल्स टू, अब ये आ जाएगा 6/7 प्लस ये आ जाएगा 4। अब देखिए एलसीएम लेंगे यहाँ पे तो 7 आएगा, तो ये 7, तो ये बनेगा 6, तो इसे हम 4/1 भी लिख सकते थे, तो 1 7 जा 7, और 7 4 जा 28, ठीक है। तो ये आ गया, ऐड करेंगे 28 में तो ये आ जाएगा 34/7 माइक्रोफेरड के बराबर, ठीक है। मतलब इन दोनों कैपेसिटर को जब हम मिलाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट 34/7 के बराबर आएगा। अब इन दोनों को मिटा के हम एक नया कैपेसिटर बना दे रहे हैं इनके प्लेस पे, और ये नया कैपेसिटर रहा ये, और इसका ये कैपेसिटी है 34/7 माइक्रोफेरड के बराबर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये तीन कैपेसिटर दिख रहे हैं और तीनों सीरीज में कंबाइंड हैं,
ऐसा कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो अब इन तीनों, अब इन्हें हम मिटाते हैं। अब ये तीनों अगर सीरीज में हैं तो इनका हम इक्विवेलेंट सी फोर टाइम डैश मान लेते हैं, सी फोर टाइम डैश ये। तो अब हम लिखेंगे 1 upon C 4 times dash इज इक्वल्स टू 1 upon 8, तो 1 upon 8 प्लस ये आ जाएगा 1 upon 14 प्लस ये आ जाएगा 34/7, तो 1 upon 34/7, तो ये चला जाएगा 7 ऊपर, देखिए तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से C 4 टाइम डैश निकल के आ जाएगा। बात अब ध्यान से समझिएगा, अब ये सिंपल सर्किट में कन्वर्ट हो गया है। तो अब इन्हें जब हम मिटाएंगे तो यहाँ से देखिए एक नया कैपेसिटर बस बनेगा और ये नया कैपेसिटर कहलाएगा C 4 टाइम डैश, ठीक है। ये आ जाएगा C 4 टाइम डैश, आप यहाँ से आराम से बैठ के कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये एक कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो पैरेलल हैं तो हम कुछ इनको ऐसे बना देते हैं, एक कैपेसिटर मिला के पैरेलली कंबाइन कर देते हैं, तो इनका इक्विवेलेंट सी फाइव टाइम डैश आ गया, सी फाइव टाइम डैश। तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक कैपेसिटर बनेगा, क्या बनेगा, एक कैपेसिटर बनेगा। अब जब एक कैपेसिटर बना है तो यहाँ से ध्यान से देखिए, इनको हम मिला के एक कैपेसिटर बना दें तो यहाँ से देखिए, एक तो दिख रहा है कि ये है, ये ए है, ये सी है, अब ये दिख रहा है एक कैपेसिटर और ये फिर बी है, ठीक है। इन दोनों को मिला के हमने बनाया सी फाइव टाइम डैश, और ये बी और ये, मतलब ए और बी के बीच में अब दो ही कैपेसिटर दिख रहे हैं, ये है सी फाइव टाइम डैश, ठीक है, ये आ गया। अब देखिए ये दोनों फिर से सीरीज में कंबाइंड है, ठीक है। हम लिखेंगे 1 upon C AB इज इक्वल टू 1 upon C प्लस 1 upon C 5 टाइम डैश, ये आ गया। अब देखिए जब इन्हें हम सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमें क्या करना है, CAB के प्लेस पे 1 microfarad पुट कर देना है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है, आपसे आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये तो एक तरीका था सिंपल, कि हम इस तरीके से अगर इस टाइप का सर्किट आता है, कॉम्प्लिकेटिव सर्किट आता है, तो हम इसी तरीके से या पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक के थ्रू सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखिए जैसे अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें तो वहाँ पर इस तरीके की जब सर्किट आती है तो हम तुरंत या बहुत जल्दी में ऐसे सॉल्व कर पाते हैं। अगर हम कोई और टेक्निक अपनाएं तो वहां से हम इतना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था। इसके बाद हम और क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसके बाद हमारा क्वेश्चन है, वो बोर्ड स्क्रीन पे आप देखिए, लिखा गया है कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर C2 इन द सर्किट शोन इन फिगर, गिवन पोटेंशियल एट ए इज 9 volt, C1 20 microfarad, C2 30 microfarad, C3 50 microfarad, ठीक है। अब ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, जो बोर्ड स्क्रीन पे आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, ये हमारे कुछ सर्किट इस तरीके से बनी हुई है, ये तीन कैपेसिटर हैं ऐसे, और इनको फाइनली अर्थ कर दिया गया है इस टर्मिनल को। यहाँ पे ये ए टर्मिनल है, बोल रहा है कि इनका जो पोटेंशियल है ए का, मतलब वी ए, वो है 90 volt के बराबर, ये दिया गया है। ये C1 है, C2 है, C3 है, ये है। C1 की वैल्यू दे रखी है 20 microfarad, C2 की वैल्यू दे रखी है 30 microfarad, C3 की वैल्यू दे रखी है 15 microfarad। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड एनर्जी स्टोर इन C2। देखिए पहले तो पूछ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस, उसके बाद पूछ रहा है कि एनर्जी स्टोर इन C2। देखिए हमसे पूछ रहा है कि इनके और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहा होगा, हम इसे पॉइंट बी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे
कि इनके और इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी कि वी डेल वी डेल वी इज इक्वल्स टू वी ए। अब देखिए ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे ही अर्थ अपन कर देते हैं वैसे ही इनका पोटेंशियल जो होता है वो जीरो के बराबर आ जाता है। मतलब बी टर्मिनल को हमने अर्थ किया तो बी टर्मिनल का जो पोटेंशियल यानी वी बी होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे, देखिए डेल वी का मतलब होता है हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू, वी ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 90 वोल्ट माइनस वी बी की वैल्यू जीरो, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो 90 वोल्ट के बराबर आएगा। तो ये हो गया। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है कि इनके मतलब यहाँ पे कितनी एनर्जी स्टोर हुई होगी। मतलब हमसे पूछ रहा है यू सी टू की वैल्यू बताइए कितनी होगी। देखिए यू सी टू निकालने के लिए हम सबसे पहले हेल्प लेंगे यहाँ पे कि इसका चार्ज कितना होगा, क्योंकि हम देखिए यू इज इक्वल्स टू होता है ऐसे भी बोल सकते हैं क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी, या हाफ सी वी का स्क्वायर भी होता है। ये हो गया हमारा। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे इसी वाले फॉर्मूले को, ठीक है, इसी वाले फॉर्मूले को अपन यूज़ करेंगे क्योंकि यही सिंपल है। ये यूज़ करना यहाँ पे टफ हो जाएगा। रीज़न ये है कि देखिए अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं कि जैसे अगर कैपेसिटर्स हैं, कैपेसिटर को अगर सीरीज में हम कंबाइन करते हैं तो हर किसी का चार्ज सेम होता है। मतलब इसके बीच जो चार्ज होगा वही चार्ज इसके बीच और वही चार्ज इसके बीच भी होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यू इज इक्वल्स टू होता है सी वी। मतलब अब हमें इनके इनमें फ्लो होने वाला चार्ज बताना है, यानी कि हम मान लेते हैं यहाँ से चार्ज जो फ्लो हुआ था वो क्यों हुआ था। ठीक है, यहाँ से जो चार्ज फ्लो हुआ था वो क्यों हुआ था और वही क्यों होते 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 बी तक पहुँचेगा। ठीक है, तो अब हमने माना कि Q है तो Q इज इक्वल्स टू होता है सी वी, लेकिन Q इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम लिखेंगे C इक्विवेलेंट इनटू डेल्टा V। ठीक है, तो हमें सबसे पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा C इक्विवेलेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट होता है 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1, C1 इज 20 प्लस 1 अपॉन C2, C2 इज 30 प्लस 1 अपॉन C3, C3 इज 15। ये हो गया। अगर इनका LCM लें तो इनका LCM आएगा 60 के बराबर। ठीक है, ये 60, 23 जा 60 तो 3 1 जा 3 प्लस 33 जा 60 तो सॉरी 32 जा 60 तो 2 1 जा 2 प्लस 15 4 जा 60 तो 4 1 जा 4 ये आ जाएगा। तो देखिए 3 2 5 4 9 तो 9 अपॉन 60 ये आ गया। तो ये चीज़ समझ में आ गया कि यहाँ पे 1 अपॉन C इक्विवेलेंट ये आया, तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा आपका 60 अपॉन 9। इसे आप कट भी कर सकते हैं, 3 जा 9 3 20 जा 60 तो ये आ जाएगा 20/3। तो ये आपका आ गया C इक्विवेलेंट 20/3। और अभी हमने देखा कि डेल वी की वैल्यू कितनी है 90 बोल्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे Q इज इक्वल्स टू C इक्विवेलेंट 20/3। तो ये आ गया 20/3 इंटू डेल वी, डेल वी का मतलब 90। ये हो गया, तो अपन कट करेंगे 3 3 9 ये आ गया, तो 3 2 600 इतना कूलम के बराबर आएगा। तो जो सॉरी यहाँ पे माइक्रो कूलम आएगा। ठीक है, क्योंकि C इक्विवेलेंट है माइक्रो फेराड के बराबर, तो यहाँ पे आएगा चार्ज माइक्रो कूलम में। ये चीज़ समझ में आ गया। तो अब हमने देखा कि यहाँ पे जो देखिए यहाँ का चार्ज क्यों होता है, यहाँ का भी चार्ज क्यों होता है, यहाँ का भी चार्ज क्यों होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे एनर्जी कितनी स्टोर हुई होगी, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला क्यू स्क्वायर बाई टू सी। तो हम लिखेंगे यू सी टू इज इक्वल्स टू, मतलब इसमें कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो ये लिखेंगे क्यू स्क्वायर। देखिए क्यू की वैल्यू दे रखी है 600 माइक्रो कूलम। ठीक है, तो हम लिखेंगे 600
माइक्रो कूलाम। तो माइक्रो कूलाम को अपन ऐसे कर सकते हैं कि माइक्रो कूलाम का स्क्वायर अपॉन, ठीक है, ये 2C, तो 2 इंटू सी इक्विवेलेंट। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू अभी हमने देखा था कि सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है 20/3 माइक्रो फेरेड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 20/3 माइक्रो फेरेड, ये आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे 60 इंटू 600 इंटू, ये देखिए माइक्रो को हम कन्वर्ट करेंगे कूलाम में, तो ये आ जाएगा अपॉन, ये बचा 2 इंटू 20/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा इंटू, अब ये माइक्रो कूलाम माइक्रो फेरेड है तो फेरेड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा, ये से ये कैंसिल हो गया, ठीक है, इसे हम इरेज कर रहे हैं। तो अब देखिए कट करेंगे तो अपन यहाँ से ऐसे कट कर सकते हैं कि 20, 20, 30 या 60, तो अगर 2 से कट करें तो इसे हम कट सकते हैं 2, 3 या 6, 3, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 300 इंटू 30 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया। अब देखिए यहाँ से अपन लिखेंगे 3, 3 या 9, 9, 3 या 27, ये आ गया, तो ये 3 टाइम ये हो गया इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये आ गया। तो देखिए अपन इसे लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ से हम हटा दें तो 27 इंटू 10 की पावर प्लस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये कर सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 27 इंटू 10 की पावर प्लस 3 माइनस 6, यानी कि 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल के बराबर ये एनर्जी आ गई। मतलब इस C2 वाले कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो 27 इंटू 10 की पावर माइनस 3 जूल के बराबर होगी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं और अब हम मिलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे बेहतर बेहतर क्वेश्चन, और इसमें भी कुछ अच्छे क्वेश्चन जैसे ही आते हैं हम आपको ज़रूर सॉल्व कराएंगे, ठीक है। तो बोर्ड एग्ज़ाम में आपके मार्क्स अगर आप सारी वीडियोस को पर्टिकुलरली रूप से देखते जाते हैं, रिवाइज करते जाते हैं, तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, तो आज के लिए इतना ही और थैंक यू।